सेवा नहीं, शासन करना है तुम सबको। स्मरण रखना, खड्गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा। शास्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं, इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रोग पर अपना राज स्थापित कर सको। कल्पना करो, चर अचर गंधर्व मानव देवदान जब सब तुम्हारे अधीन होंगे तो तुम्हारी माँ का सम्मान कितना अधिक बढ़ जाएगा। विनता ही नहीं, दीति और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा। सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं, चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। राजमाता कद्रु की जय, राजमाता कद्रु की जय हो। माता कद्रु की जय, माता कद्रु की जय, माता कद्रु की जय, माता कद्रु की जय, माता कद्रु की जय। तो क्या आप वासुकी भैया और कुछ अन्य सर्प अपने भाइयों से स्वभाव में इसीलिए इतने भिन्न हैं क्योंकि बड़ी माँ की छाया आपके डिम पर नहीं पड़ी थी? होने वाली संतान गर्भ में या डिम में रहते हुए ही अपने माता पिता के संस्कार ग्रहण कर लेना प्रारंभ कर लेती है। माता पिता के मनोभाव, प्रवृत्ति और कर्म उनके आने वाली संतान पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब संतान का जन्म होने वाला हो तो माता पिता को सुकर्म करने चाहिए, महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए, तामसी प्रवृत्ति से दूर रहते हुए सात्विक जीवन जीना चाहिए। तुम्हारा अनुमान सही है गरुड़, मुझ पर, वासुकी पर और कुछ अन्य सर्प भाइयों पर मां कद्रु की छाया या कहें तो उनका प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए हमें जो संस्कार मिले हैं वह हमें हमारे पिता महर्षि कश्यप से मिले हैं। पर भैया, मेरी माँ तो सात्विक जीवन ही जीती है और अरुण भैया को भी उन्होंने वही संस्कार दिए होंगे जो मुझे दिए हैं। उन्हें भी समाज कल्याण और परोपकार का वही मार्ग दिखाया होगा जिस पर मुझे चलना सिखाया है। फिर माँ के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों भैया? क्यों उन्हें अपने बड़े पुत्र से अलग होना पड़ा? क्यों बनना पड़ा किसी और की दासी? जिस प्रकार तुम अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए लालायित हो, उसी प्रकार हम दोनों की माएं भी अपने अपने पुत्रों को जन्म लेते हुए देखने के लिए आतुर हो चुकी थी। कद्रुमा की आतुरता अधिक थी, सबसे पहले वो व्याकुलता में बदली, फिर अधीरता में, और फिर देखते ही देखते उन्माद में बदल गई। विनता मां में संयम था, परंतु पुत्र प्रेम के कारण वो भी अपने आप को उन्माद के संक्रमण से अधिक समय तक बचा नहीं पाई। खड़गे नाकर में मुझीता वीर भोग्य वसुंधरा, 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 खड़गे नाकर में मुझीता वीर भोग्या वसुंधरा, खड़गेन आक्रमे मुजीता वीर भोग्य वसुंधरा। दीदी, अब शीघ्र ही मेरे पुत्रों का जन्म होगा। जब वो पहली बार अपनी रिम से बाहर निकलेंगे तो मैं नहीं चाहती उस क्षण की साक्षी बनने से मैं चूक जाऊं। मुझे भी ऐसा ही लगता है दीदी, शीघ्र ही मेरे पुत्रों का भी जन्म होगा और संभव है आपके सहस्त्र पुत्रों से पहले मेरे पुत्रों का जन्म हो जाए। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। ऐसा नहीं होगा, दिव्य माला मिलने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मुझसे पहले और अधिक मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे ही पुत्रों का जन्म होगा। तो लगी शर्त, जिसके डिम बाद में फूटेंगे उसे पूरे महल को दीपक से सजाना होगा। स्वीकार है। कहां से आ रही है ये ध्वनि?
मन की आंखें वो भी देख सकती हैं, जिसे देखने में तन की आंखें असमर्थ होती। अब शीघ्र ही पता चल जाएगा कि इस ध्वनि का स्रोत कहाँ है। अनंत, सत्य कहा तुमने। मेरा सबसे बड़ा पुत्र इस नाम से भी जाना जाएगा। तुम्हारी छोटी माँ विंता ने तुम्हें अनंत नाम दिया है, किंतु मैं तुम्हारी माँ तुम्हें शेष कहकर बुलाऊंगी। शेषनाग, तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि आवश्यकता पड़ने पर पूरी पृथ्वी का बोझ अपने कंधों पर उठा पाओगे। अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। देख लिया, सबसे पहले मेरे ही पुत्र ने जन्म लिया। वासुकी कहलाओगे पुत्र। मनचाही लंबाई धारण कर सकते हो तुम। प्रणाम माँ। प्रणाम छोटी माँ। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। उनके गले की शोभा बनोगे तुम। इतना मूल्यवान आशीर्वाद देकर आपने मेरा जीवन सफल कर दिया छोटी मां। मेरे पुत्र इसी की स्तुति करते रहेंगे तो मेरा स्वप्न तो अधूरा ही रह जाएगा।
संसार में तुम्हारा स्वागत है पुत्र तक्षक। तुम्हारे विष की कोई काट नहीं होगी। बिजली की लपट और उसकी गति के गुण जो तुम्हारे भीतर है, उस गुण के कारण तुम नाग शक्ति के नायक बनोगे। तुम्हारी छोटी माँ है, प्रणाम करो। पुत्र वाह, तेरी शक्ति अद्भुत है, साक्षात काल का रूप हो तुम। आज से ये संसार तुम्हें कालिया के नाम से जानेगा। बड़े से बड़े जलाशय को एक ही पुंकार में विशाला करने की क्षमता होगी तुम्हारे विश्व में। ये कैसे आशीर्वाद दे रही हैं कद्रु दीदी अपने पुत्रों को? इनसे संसार का उद्धार कैसे होगा? क्या हुआ विंता? कदम का ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय था दीदी। इसके पुष्पों से मैं श्री विष्णु की पूजा करती थी। एक वृक्ष ही तो जला है विंता, इसमें इतना खिन्न होने की क्या आवश्यकता है? बच्चे खेल रहे हैं, नाश विनाश तो होता ही रहेगा। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी अभी तक एक भी संतान नहीं हुई है ना।
मेरे पुत्र ना केवल आयु में बल्कि बल सामर्थ्य ऐश्वर्य में भी तुम्हारे पुत्रों से बड़े होंगे। मैं शर्त जीत गई विंता, और अब मैं अपने पुत्रों के साथ समस्त संसार को जीतूंगी। ये पुत्र नहीं, 1,000 अस्त्र शस्त्र है मेरे, जो बड़ी से बड़ी शक्तियों को मेरे चरणों में झुका देंगे। समस्त संसार इनसे डरेगा और मेरा सम्मान करेगा। दोहराओ, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा।